मॉडिफाइड आर ओन 5 वर्जन 3 के बारे में। तो ये जो वर्जन 3 है वेलकम टू टीवीसी मोटो व्लॉग वंस अगेन। और बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहा है, सॉरी। और जैसा आप अभी देख ही रहे हैं और थंबनेल भी देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं इस मॉडिफाइड आर ओन 5 वर्जन 3 के बारे में। तो ये जो वर्जन 3 है, ये पूरी तरीके से रैप किया हुआ एंड फिटेड विथ लॉट्स ऑफ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज। इसका सारा दाम वगैरह मैं सब कुछ बताऊँगा। और सॉरी बिल्ली से पाव लग गया था। और देखिए ये बाइक, वो मेरी बाइक है एंड ये है इनकी बाइक। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रैप किया हुआ है इसको। ये गुवाहाटी की बाइक है और जैसा आप जानते हैं मैं गुवाहाटी पे रहता हूँ। और तो मैं इसका सारा एड्रेस वगैरह जो है कहाँ से कैसे करवाते हैं मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लगा हुआ है ये विंडशील्ड, ये है ऑलमोस्ट 1200 का। और यहाँ पे है इसके विंगलेट, R15 वर्जन 3 विंगलेट। तो ये विंगलेट है ऑलमोस्ट 800, तो ये दोनों का 2000। एंड यहाँ आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस रैप का खर्चा जो है ऑलमोस्ट पड़ा है आपको 5000 के आसपास, जिस इंक्लूडिंग ओपनिंग द फेयरिंग्स एंड ऑल, क्योंकि रैप करने के लिए फेयरिंग्स वगैरह खोलनी पड़ती है। तो ये बाइक जो है मैट क्रोम रेड में ये रैप की हुई है। पीछे फेंडर एलिमिनेटर है। बाइक का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए। और ये है इसका डिजिटल कंसोल। इस पर कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है, पर ये दिखा देता हूँ आपको। यह है वर्जन 3 का कंसोल। और इन्होंने हैजर्ड लाइट्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं, पीछे से दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हमारी मॉडिफाइड R15 वर्जन 3। तो ये मेरे एक दोस्त की है। सो देखिए बाइक को अच्छे से। इसका जो जितना सारा डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। लिंक तो नहीं दे सकता, आप लोग इसे ऑनलाइन सर्च करके मंगवा सकते हैं कहीं से भी। ये आफ्टर मार्केट पार्ट, जैसे कि ये विंडशील्ड और ये विंगलेट वगैरह हो गए, तो ये आपको ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे। और आफ्टर गुवाहाटी में कहीं कहीं मिलता है, पर मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी आपको कहाँ स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ फ्रेम स्लाइडर्स भी है, यामाहा से आता है, 2500 के आसपास इसका प्राइस है। तो यही है मॉडिफाइड R15 वर्जन 3, फुल्ली रैप्ड इन मैट क्रोम रेड। एंड बहुत ही सुंदर इसका जो शेड है आप देख सकते हैं। तो इस बाइक को टोटल खर्चा आया ऑलमोस्ट आपका 10000 के आसपास, फुल मॉडिफिकेशन का, इंक्लूडिंग द रैप, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, इंडिकेटर्स, फ्रेम स्लाइडर, सब मिलाकर, फेंडर एलिमिनेटर, सब कुछ मिलाकर ये ऑलमोस्ट आपका 10000 के अंडर बजट में हो गया है ये। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और दिखा देता हूँ पीछे से भी लुक, ये देखिए। तो चलिए, और आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड नाउ आई एम फ्री। सो मिलते हैं जल्दी, सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। चलिए बाय।